सूक्ष्मदर्शी है, पर ये सूक्ष्मदर्शी है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन आज के सूक्ष्मदर्शी बच्चों ये सिंपल नहीं है, ये कंपाउंड देखता है, लेकिन आज हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, इसको जानते हैं। इसका नाम कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें दो लेंस, एक लेंस हमारी आंख के सामने रहता है, दूसरा लेंस वस्तु के सामने रहता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हम आपको लेंस खोल के दिखाते हैं, इस पे लिखा हुआ 10x, ठीक है, यानी इसका पावर है 10x, ये 100x भी हो सकता है, 50x भी हो सकता है, मतलब ये अलग-अलग मैग्निफिकेशन के आधार पे इसका पावर डिसाइड होता है। उसी तरीके से यहां पर भी जो है, जहां पे हम वस्तु रखते हैं वहां पर भी लेंस रहता है। वस्तु को देखने का तरीका क्या है, इसको देखो, और पहले इसके बारे में जो आप देखो, इसको हम लोग ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे करेंगे ये नीचे की तरफ जाएगा, जाएगा ना, जैसे कि लेंस कैमरा वाले लेंस पर रहते हैं हम लोग, आगे पीछे ऐसे करके फोकस करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से फोकस करने के लिए आगे और पीछे इस तरह का ये सिस्टम स्क्रीन दिया हुआ है, ठीक है। अब जिस चीज को हमको देखना है, ये देखो ये स्लाइड है, ये शीशे का पट के देखो इस तरह का, ये देखो ये स्लाइड, ये इसको कहते हैं, ये देखो ये है स्लाइड, इसको इसी पर कोई भी चीज, ये शीशे का, ये शीशे का जो पट्टी है, ये हर पार देख सकते हैं इसे, इसको कहते हैं स्लाइड, ठीक है। जिस चीज को भी, ये प्लेन स्लाइड है, और का जो, ठीक है, जिस चीज को भी हमको देखना रहता है हम इस स्लाइड पे रख करके देखते हैं, ठीक है, इस स्लाइड पे रख करके हम देखते हैं। कुछ आपके पास देखिए, मतलब पहले से बना हुआ स्लाइड, परमानेंट स्लाइड जो कि ऑलरेडी मार्क दिया है कि आप इसको देख सकते हैं, उस स्लाइड है कि हम लोग बनाते हैं, जैसे कि मान लो क्या कुछ और बता देते हैं, ब्लड के बारे में जानना है, ठीक है, हमारा ब्लड कैसा दिखता है, ठीक है, पता है जो दही हम लोग खाते हैं उस दही को आप लोग देख लेंगे तो आप लोग खाने पे तो बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, आप लोग उसको देख, आप लोग उसको खा नहीं पाएंगे। हम लोग को देखो ये स्किन है, स्किन है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम लोग दिखाई पड़ते हैं ना, हम लोग हाथ धो लेते हैं सोचते हैं हाथ साफ हो गया, बट ये हाथ बहुत गंदा रहता है। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कहा जाता है मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है, इसको हम पकड़ते हैं, ठीक, चलाते हैं ना, उस हैंडल पे इतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इतना ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस होता है, जितना टॉयलेट के सीट पे नहीं होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं से भी आते हैं हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, हाथ तो धोते नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों, तो इस तरीके से आज हम लोग देखेंगे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को कैसे हम लोग देख सकते हैं इस यंत्र की सहायता से, इस मशीन की सहायता से, इसका नाम है, अब देखो बच्चों, हम सबसे पहले आपको खुद से बनाया हुआ एक स्लाइड दिखाते हैं। वो स्लाइड हमने कहाँ से लिया, एक प्याज से लिया, प्याज का छोटा सा परत ले लिया, छिलका छील लिया एकदम बिल्कुल, उसको कहते हैं स्लाइड, और उसको हमने इसमें डाल लिया, ठीक है, अब नहीं हम बना, ठीक है, इस देखो हम इस पे डाल करेगा कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको आप ऐसी नंगी आंखों से देखोगे वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम रख दिए हैं, अब इसके जरिए देखेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ेगा, इस तरह से दीवार बनता है, सेल हो जाता है ना, आपको दिखेगा, देखिए जो है आपको न्यूक्लियस, जब भी आप ऐसे देख रहे हो तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इतना बारीक सा पत्ती हमने प्याज का एकदम महीन सा छिलका निकाला, ठीक है, आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम जब इसको देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर जो है हम एक अमीबा को भी देखेंगे जो कि प्रीपेड है, उसको भी देख के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि कैसा दिखता है, देखने का तरीका, इस पर हम ले लिए और यहाँ पे देखो ये जो है
मिरर है, ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जब भी इसको देखने का तरीका है, हम लाइट को खिड़की के सामने रखते हैं ताकि लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो, इस पर आए और फिर यहाँ से हम लोग एडजस्ट करके उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको हम खोल देते हैं, क्या क्या लाइट इधर से आ सकती है, खोल देते हैं सर। ये हवा के कारण लग जाता है। इसको पता दिए। अब हम यहाँ पर से देखने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ सकता है आगे पीछे, जहाँ पर से बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को हम कुछ बच्चों को दिखाएंगे, सर लोग को भी दिखाएंगे। और इसका जो हमेशा ये देखना है कि ये इसका जो ये फेस है इस सन की ओर होना चाहिए, क्योंकि लाइट इस पर आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगी और फिर हमको यहाँ से वो क्लियर दिखेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ देख सकते हो, पता है यहाँ का ये छोटा सा बाल है ना, बाल को लेकर के इस पे देखेंगे तो बाल है इतना बड़ा डंडा जैसा काला, मतलब कोई भी चीज़ ये बहुत बड़ा करके दिखाता है, लार्ज करके।